तो स्वागत है जी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लब विंटेज 8 में, और मैं हूं आपका दोस्त सरबजीत सिंह लुधियाना पंजाब से। तो क्या हाल है जी आप सभी का, आशा करते हैं आप अपने घर परिवार सभी के साथ बहुत खुश होंगे। सो दोस्तों, आज का ये जो सिस्टम है मैं आपके लिए लेके आया हूं सोनी का AZ सीरीज का ये म्यूजिक सिस्टम, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लुक में है और इसकी क्वालिटी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। आज हम रिव्यू करेंगे सोनी के इस बहुत ही प्यारे से म्यूजिक सिस्टम का। जैसे कि आपको पता ही है कि हर एक सिस्टम मेरे पास मिंट कंडीशन में होता है, एज लाइक अदर वीडियोस, ये वाला भी बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, एकदम अच्छी कंडीशन में ये आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें डबल कैसेट प्लेयर है और एक DVD प्लेयर है और FM और ईच एंड एवरीथिंग सभी इसमें फुल वर्किंग आपको मिलेगा। आपको कैसेट वर्किंग में मिलेगी, आपको DVD वर्किंग में मिलेगी, FM वर्किंग में मिलेगा, और ऑक्स भी चला सकते हैं, और डिजिटल आउट का भी इसके अंदर फीचर्स हैं। बहुत सारे फीचर के साथ ये लोडेड आपको म्यूजिक सिस्टम मिलेगा और अच्छी कंडीशन में आपको मिलेगा, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो कई दोस्त मेरे को कहते होते हैं कि सर आप मेरे को फोटो शेयर कर दीजिए। सर मैं अपना जो भी वीडियो शूट करता हूं वो सभी 4K फॉर्मेट में शूट करता हूं, ताकि आपको हर एक डिटेल्स पता लग सके इस चीज के बारे में। फोटो में क्या होता है कि एडिटिंग हो जाती है, बट वीडियोस में प्रॉपर आप कंडीशन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं जो वीडियो होती है बड़े फॉर्मेट में बनाता हूं, कम से कम 4K फॉर्मेट में वीडियो शूट करता हूं मैं, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से पता लग सके और अच्छे से इसकी कंडीशन के बारे में आपको पता लग सके। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसकी कुछ ओवरऑल परफॉर्मेंस, मैं आपको बताऊंगा आज इसमें क्या है क्या नहीं है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी कॉस्मिक कंडीशन। तो बात करता हूं जी इसकी कॉस्मिक कंडीशन के बारे में, ऊपर पैनल के ऊपर दिए गए बटन्स के बारे में। जो भी इसके ऊपर ये एनालॉग बटन दे रखे हैं ये सभी वर्किंग में है। इसके साथ आपको ओरिजिनल रिमोट भी मिलेगा, जो कि बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, सोनी का ओरिजिनल रिमोट आपको साथ में मिलेगा। आप ये भी फुली फंक्शनल है, इससे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जो पैनल्स पे बटन दे रखे हैं और ये जो टच स्क्रीन बटन्स दे रखे हैं ये सभी फुल वर्किंग में है, आप यहाँ से भी इसको रन कर सकते हो। तो दिखाता हूँ सबसे पहले बॉडी को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे फ्रंट में आपको दिखाता हूँ मैं, ये बिल्कुल मिंट कंडीशन में है। नंबर्स के ऊपर जो भी ब्रांडिंग की होती है वर्किंग में है। यहाँ पे स्टिकर भी वर्किंग में है, स्टिकर सॉरी अच्छी कंडीशन में है। तो ये वाला यहाँ पे आप इसको नीचे को मूव करोगे तो यहाँ पे आपको माइक 1, माइक 2, माइक का लेवल सेट करने के लिए और इको को सेट करने के लिए यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फोन्स, यानी कि हेडफोन्स के लिए आपको पोर्ट मिल जाएगा, आप हेडफोन्स के थ्रू भी इसके गाने सुन सकते हो। 3.5 mm का जैक यहाँ पे लगेगा और आप इससे अपने गाने यहाँ पे भी सुन सकते हो। तो इसको बंद करते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कंपनी ने क्या स्टिकर पे मेंशन किया हुआ है। ये जो भी सिस्टम है AZ का, ये 100 वाट के इसके साथ 2 स्पीकर है, ये वाले, ये एक स्पीकर 100 वाट का है और दूसरे वाला भी 100 वॉट का है। तो ये आपका हो गया 200 RMS के साथ USB ऑडियो स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज के अंदर है। टच सेंसर कीज, ये जो सारी कीज हैं, ये वाली, ये सभी टच सेंसर कीज हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा ग्लास में है ये, आप देखिए मैं थोड़ा सा फोकस करता हूँ, यहाँ पे ये ग्लास लुक में आपको मिलेगा। वॉल्यूम के ऊपर एक राउंड शेप का बटन, यहां से वॉल्यूम प्लस, यहां से वॉल्यूम डाउन। मोस्टली क्या रहता है कि कई सिस्टम होते हैं उनके जो बटन्स होते हैं एक टाइम पे आके काम करना बंद कर देते हैं, जो कि मेन फंक्शंस के लिए बटन दिए होते हैं। तो इसलिए कंपनी ने यहां पे ये जो दिए हुए हैं सभी, ये सारे टच सेंसर्स में हैं और अच्छे से वर्क करते हैं। मैं अभी आपको जब वीडियो चला के दिखाऊंगा तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा। तो यहां पे दोस्तों एक लेबल साइड के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे आप DVD डाल सकते हो, ऑडियो CD डाल सकते हो, रीराइटेबल डाल सकते हो, CD का कोई भी फॉर्मेट आपने यूज करना है आप यहाँ पे डाल सकते हो और अच्छे से उसको सुन सकते हो। कैसेट की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से पुश ओपन क्लोज का ऑप्शन है, यहाँ से आप हल्का सा पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा और एकदम
अंदर से भी बिल्कुल ये साफ कंडीशन में है, एकदम अच्छी कंडीशन में है, कोई इसकी सर्विस हिस्ट्री, कोई इसकी रिपेयर हिस्ट्री नहीं है, और बिल्कुल स्मूथ देखिए, और एकदम अच्छी कंडीशन में है ये। एक आपको यहां मिल जाएगा कैसेट प्लेयर, और एक अगर इसको पीछे करेंगे तो आप यहां से करोगे पुश, एक आपको यहां मिल जाएगा। आप देख सकते हो अंदर से हेड जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और अच्छी कंडीशन में है। तो ये है, तो है जी हमारा AZ का बहुत ही प्यारा सा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं इसकी परफॉर्मेंस की वीडियो। आप देख रहे होगे फिलहाल ये डेमो मोड के ऊपर है, यहां से आप क्लिक करोगे तो आपका पावर ऑन हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ऑडियो CD चला के दिखाता हूं, जो कि मैंने यशराज बैनर्स के अंडर लगा रखी है। मेरे यार की शादी है, वैसे तो हमारे सभी दोस्तों की शादी हो गई है, मगर आज मैं आपको चला के दिखाता हूं इसमें क्वालिटी कैसी चलती है। ये देखिए ये अंदर चली गई। यहां से मैं आपको एक बार दोबारा इजेक्ट करके दिखा देता हूं। ये देखिए इजेक्ट करोगे तो ये बाहर आ जाएगी, और यहां से सिंपली आप इसको पुश कीजिए तो ये आपकी अंदर चले जाएगी। अंदर जाते ही ये रीडिंग मोड के ऊपर आ जाएगी, और रीडिंग करते ही बहुत इसका अच्छी परफॉर्मेंस है। अभी आप देखोगे रीडिंग मोड के ऊपर है, और यहाँ पे इसने उठा लिया है, एक नंबर ट्रैक प्ले हो गया है। यहाँ से मैं वॉल्यूम करता हूँ, यहाँ पे दबा के रखूंगा, यहां से देखिए आप दबा के रखोगे हल्का सा, देखिए हल्का टच करोगे ऊपर वॉल्यूम कम हो रही है, यहां पे दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसको दबा के रखोगे तो वॉल्यूम एकदम से बढ़ने लग जाएगी। एकदम से ये रन करता है, बिल्कुल भी लैग नहीं है, बिल्कुल कोई टाइम डिले नहीं है। तो सुनिए परफॉर्मेंस, यहां से ट्रैक आपका नेक्स्ट, और एकदम से ये उसको उठाता है, थोड़ा सा भी डिले नहीं है, एकदम से उसको ये उठाता है। तो आप एक बार इसकी क्वालिटी देखिए दोस्तों, और मेरे को कमेंट जरूर करना आप। गिर गया नीचे, यहाँ पे इसको रख देते हैं। ये भी अपने पास आ रखा है दोस्तों, मैं इसकी वीडियो भी जल्दी लेके आऊंगा, आप देखना उसमें। फिर यहां से फिर करेंगे नेक्स्ट ट्रैक, तो ये नेक्स्ट ट्रैक आपका आ जाएगा। ये फिर से बैक करेंगे, फिर आपका दो नंबर, तो ये आपका मतलब जो सी यहां से स्टॉप कर दूंगा मैं, यहां से दोबारा रिज्यूम हो जाएगा आपका, और यहां से पोज हो जाएगा। बटन सारे फुल वर्किंग में है, और ऊपर से यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो टेप चलाना है A और B, DVD, ट्यूनर बैंड, या फिर ऑक्स, या फिर PC, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के लिए पीछे इसकी एक केबल लगती है, वो आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है, तो आप इसको डायरेक्ट PC के साथ भी अटैच कर सकते हो। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी CD की परफॉर्मेंस। आप मेरे को बताना कि आपको CD की परफॉर्मेंस इसकी कैसी लगी। अब मैं आपको इसमें सबसे बढ़िया बात बताऊंगा, अब इसमें हमें आप चला के दिखाऊंगा आपको कैसेट प्लेयर, और आप बिलीव नहीं करोगे जो कैसेट की परफॉर्मेंस निकलेगी, आप नहीं जज कर पाओगे कि वो कैसेट चल रही है कि या वो CD चल रही है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इसकी कैसेट की परफॉर्मेंस है। जो मैंने मोस्टली जो
अपने विंटेज आते हैं ना वो कैसेट प्लेयर्स, सिर्फ उन्हीं में मैंने ऐसी क्वालिटी सुनी थी और बाकी इसमें मेरे को वो मिली है। तो अब मैं आपको चला के दिखाता हूं इसकी कैसेट क्वालिटी। हर बार की तरह वीर जरा यहां से इंसर्ट इजिली ड्रॉप्ड, और यहां से प्ले, यहां से आप करोगे टेप बी। तो यहां से दोस्तों अगर मैं प्ले करूंगा तो आप यहां से प्ले का सिंपली क्लिक कीजिए और आपका वो कैसेट प्ले हो जाएगी। ये देखिए, और ये क्वालिटी दोस्तों कैसेट की है, आप यकीन मानना, अल्टीमेट परफॉर्मेंस। और आप यकीन माना दोस्तों, बाय स्वेयर, ये ऐसी कैसेट की क्वालिटी मैंने किसी प्लेयर में नहीं सुनी है। और खुद आप हेडफोन लगाओ, इसको आप फील करो कि जो नोट्स, जो ये हाई फ्रीक्वेंसी, जो ये बेस गोल्डन पंच दे रहा है, क्या आपको लगता है कोई कैसेट प्लेयर ऐसा देता होगा? मैं दोबारा से वॉल्यूम करता हूँ इसकी, ये देखिए। ये देखिए स्टॉप, यहाँ से बैक करता हूँ। एक बार मैं आपको दूसरा कोई गाना लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पे लगाया इंसर्ट और प्ले, और ये देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ गाना आगे चल रहा है। देखिए स्टॉप, और क्या जबरदस्त क्वालिटी है इसकी कैसेट की। अब मैं आपको ऊपर वाले में भी चला के दिखाता हूं कि ऊपर वाले सेक्शन में ये इसलिए दोस्तों ऐसी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है क्योंकि एक तो ये सर्विस, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। जब रिपेयर वालों के हाथ लग जाते हैं ना, तो उसके बाद तो आपको पता ही है, जितना मर्जी कर लो नहीं सही चलती है। बट जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल ही है। तो यहां से मैं दोबारा इसमें ऊपर लगाऊंगा, यहां से टेप ए पे सिलेक्ट करूंगा, ये वाला कॉलम ए वाला है, और यहां से मैं इसको प्ले करूंगा। ऊपर वाले में भी बिल्कुल सेम है, देखिए यहां से पॉज कर दिया मैंने, ऊपर वाले की भी नोट्स जो हैं जो बहुत शार्प निकलेंगे, ये देखिए। तो ये तो दोस्तों होगी इसकी कैसेट की परफॉर्मेंस। आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको कैसेट की परफॉर्मेंस इसकी कैसी लगी। एफएम मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे सर एफएम बिल्कुल नहीं सही चलता है, आपको पता ही है, कोई स्टेशन मेरे यहाँ पे आता ही नहीं है। तो इसका सीडी का परफॉर्मेंस हो गया है,
यहाँ से करते हैं। सीडी का परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दिया है, कैसेट का भी दिखा दिया है, और ये सिस्टम फुली वर्किंग है। सिंपली आप ऑक्स केबल भी चला सकते हो, और यहाँ से ऑक्स केबल, आज मैं आपको ऑक्स केबल नहीं चला के दिखा सकता क्योंकि मेरा जो आईपॉड है वो डेड कंडीशन में हो गया है, इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है, ये खराब हो गया है, तो इसलिए मैं आपको नहीं चला के दिखा पाऊंगा। तो ऑक्स भी इसमें सिंपली आप पीछे दो केबल्स रखती हैं ऑडियो इनके लिए, वहां पे लगा के आप अपना मोबाइल लगाइए या फिर आप अपना आईपॉड लगाइए या फिर आप कोई भी डिजिटल सोर्स इसके लिए आप चला सकते हो। तो बात करता हूं दोस्तों इसके स्पीकर्स के बारे में, तो आप स्पीकर्स को देख सकते हो बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, बिल्कुल अच्छी हालत में है। नहीं तो मोस्टली ये वाली जो चीज़ होती है दबी होती है अंदर को, बच्चों ने दबा दी होती है, जिन्होंने भी इसको रखा था बहुत संभाल के रखा हुआ था, तो मेरे पास भी वैसे ही कंडीशन में आया है। दोनों स्पीकर एकदम मिंट कंडीशन में है, और ब्लैक के ऊपर ये डार्क चेरी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि ब्लड कलर भी बोल सकते हो आप इसको, बहुत डार्क है। तो ये सारा एक पैटर्न बना रखा है कंपनी ने, जैसे कि आप देखोगे ध्यान से आप देखोगे तो ये ब्लैक में है, और ये वाला यूनिट का भी जो पैटर्न दिया है उन्होंने ब्लैक कर दिया है, और इधर भी ब्लैक है, तो सिल्वर ब्लैक का और रेड का बहुत ही जबरदस्त कॉम्बो है। जब आप इसको रखोगे अपने घर पे तो बहुत ही अच्छी लुक आपको मिलेगी। विंटेज भी है, फुल वर्किंग भी है, और कॉस्मिक कंडीशन भी अच्छी है, और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस आपने देख ली है,